जब से जॉर्जिनो आर्सनल आया आरसनल ने तीन मैच खेले एंड आउट ऑफ अ पॉसिबल नाइन पॉइंट ने सिर्फ एक पॉइंट उठाया पहले आर्सनल एवर्टन से हारी जिसमें जॉर्जिनो के आते ही एक मिनट में कंसीड कर दिया था आर्सनएल ने दूसरे मैच में आरसनएल ने ड्रॉ किया ब्रेडफर्ड के साथ वन वन एंड अब आरसन एल तीन एक हार गई है होम पे मैनचेस्टर सिटी से एंड जो मास्टर वर्सेस स्टूडेंट वाली डिबेट पूरी चल रही थी एज इट शुड हैव एंडेड मास्टर हैज बीटन द स्टूडेंट ट अगेन आर एज आर्सनल मैनेजर अभी तक मैनचेस्टर सिटी को नहीं हरा पाया है एंड अगर आज के रिजल्ट से हमारे को कोई भी चीज सीखने को मिली है वो ये चीज सीखने को मिली है कि एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है किसी भी टाइटल रेस में एंड क्यों लंबी रेस के घोड़े हमेशा लीग जीतते हैं और हफ्ता भर भी नहीं हुआ है मैन सिटी पे एलिगेशन लगने के एफ एफ पी ब्रीचेस के और उनका प्रीमियर लीग से पोटेंशियली रेलीगेट होने के तो बार्सलोना ने कहा कि हम कैसे पीछे रह सकते हैं बार्सलोना पे भी एलिगेशन लगे और पोटेंशियली बार्सलोना भी रेलीगेट या पॉइंट डिडक्शन फेस कर सकते हैं लीगा में इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है और इसका होना कितना लाइकली वो भी डिस्कस करेंगे और मेसी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर फिर से कंफ्लिक रिपोर्ट आ रही है आज के चैंपियंस लीग मैचेस उतने इंटरेस्टिंग नहीं थे जितना आज का प्रीमियर लीग मैच जो पोटेंशियली टाइटल डिसाइडर हो सकता है वो था ने चेल्सी को हराया बेनफिका ने क्लब ब्रूस को हराया अवे एंड चेल्सी के पूरी नई टीम खड़ी करने के बाद भी डॉटमंड को नहीं हरा पाई और जो उनका फॉर्म रहा है सिंस जनवरी ट्रांसफर विंडो एंडेड एक फुलम के साथ ड्रॉ वेस्ट हैम के साथ ड्रॉ एंड नाउ डॉटमेंट के अगेंस्ट हारना यह सब इंडिकेट करता है कि Chelsea अभी बहुत वर्क अंडर प्रोसेस है एंड टाइम लगेगा ग्रेम पॉटर के अंदर Chelsea की भी भी इस इस चीज को लेकर अंडरस्टैंडिंग है है और वो इतनी भी है इस सीजन की अगर अगर चैंपियंस लीग में हैल्स डीप नहीं जाती है एंड अगर, अगर अगले सीजन की चैंपियंस लीग के लिए भी लीगसी क्वालिफाई नहीं करती तो दो तो टॉट बोली एंड को विल नॉट टेक द डिसीजन टू सैक ग्रेम पॉटर और ग्रेम पॉटर को दे विल लेट हिम कंटिन्यू दे रियलाइज ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें महीने नहीं साल लगेंगे तो दे हैव द पेशेंस उट विच इज कमेंडेबल इतना पैसा खर्चते हो जब आप इतना पैसा खर्चते तो आप कहीं कही ना कहीं अपने ऊपर ही प्रेशर डाल देते हो इमीडिएट परफॉर्मेंस का इमीडिएट रिजल्ट्स का और वो नहीं मिलते हैं तो कभी कभी रैश डिसीजन आप ले लेते हो बट अगर आपके पास दिमाग में तसल्ली है दिमाग में एक आप कह सकते हो लेवल हेडेडनेस है कि आप अलाउ करना चाहते हो पॉउर को टू कंप्लीट इस प्रोजेक्ट और एटलीस्ट सी की ये प्रोजेक्ट कहां लीड कर रहा है इस प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले ही आप खत्म नहीं कर रहे तो आई थिंक ये बात हमें अप्रिशिएट करनी पड़ेगी चेल्सी की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली फैंस को पसंद नहीं आएगी बट अगर आप परफॉर्मेंस उसको डिटैच कर दो लार्जर पिक्चर देखो तो इट विल टेक चेल्सी टू जेल क्योंकि इतने सारे आप प्लेयर्स, आप एक साथ लाते हो, के नॉट जेल एट वन गो बाकी सीजन सिर्फ एक मैच लीग में हारैंपियेड द मोस्ट गोल्स इन द लीग ऑफ पोर्टुगल इकतीस गोल मारे बारह गोल कंसीड करें लोएस्ट गोल्स कंसीडेड एंड अगर आप परफॉर्मेंस की टर्म्स में बात करो श्मिट तो के अंदर अलग ही झंडे गाड़ रहे हैं भाई बेनफिका इज डेफिनेटली अ टीम टू वॉच आउट फॉर आई थिंक पोर्टुगल की हमेशा हर साल एक नए ऐसी थ्रेटनिंग टीम होती है पिछ, पिछले दो दो साल पहले पोर्टो थी जब पोर्टो ने एक डीप रन करा था चैंपियंस लीग में अब आके हमारे पास बेनफिका आ गई है मतलब टीम्स टीम दिख रहा है कि उनके चाहो टैलेंट फैक्ट्री है देयर एबिलिटी टू फाइंड प्लेयर्स ऑन द चीप जैसे एंजो फर्नांडिस को बेनफिका ही फाइंड किया था एंड उनको रिफाइन करना और उनको इतनी जल्दी उनकी वैल्यू इंक्रीज करना उनकी परफॉर्मेंसेस इंक्रीज करना वो उनका बेनिफिट दे रही है हम बात करने वाले थे की में सबसे इंटरेस्टिंग सबसे और अमेजिंग है कि मैन सिटी की इस मैच में छत्तीस परसेंट पोजेशन थी छत्तीस परसेंट पोजेशन थी एंड ये ग्वाडियोला के पूरे मैनेजीरियल करियर में उसी किसी भी टीम की किसी भी विनिंग साइड की लीग में इससे कम पोजेशन नहीं रह सके और दिस इज नॉट अ सरप्राइजिंग द फैक्ट कि भाई सप्राइजिंग इज अ मैनेजर जो सबसे ज्यादा पोजेशन को प्रायोरिटाइज करता है पे उसका सबसे आप कह सकते हो नॉन नेगोशिएबल एस्पेक्ट है ऑफ हिज साइड वो हमेशा पोजेशन में हावी होती है तो हमारे को पोजेशन एक ऐसी चीज है जो हम हमेशा मैनचेस्टर सिटी और आप कह सकते हो जितनी जो भी टीम ग्वार ने मैनेज की उनसे हमेशा हमने एक्सपेक्ट की है बट अगर आप पूरे नब्बे मिनट देखो जो नब्बे मिनट मैनचेस्टर सिटी ने खेले फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को आप डिवाइड करो तो फर्स्ट हाफ में एक क्लियरली एक टीम बॉल पे हावी थी और आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग चांसेस हावी थी दैट वाज आर्सेनल वॉजन की इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी कि आर्सेनल ने इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर दिया इन द मैटर ऑफ अ सीजन दे हैव द फ्लूइडनेस दे हैव द फ्लेक्सिबिलिटी दे द डायल्ड इन है इतनी अंडरस्टैंडिंग है इतनी सिंक है प्लेयर्स के बीच में कि दे कैन टेक द इनिशिएटिव अगेंस्ट द बेस्ट टीम

रेस में टाइटल रेस को रेस बना दिया पहले ये टाइटल रेस में आर्सनल वॉर द क्लियर विनर बट अब ये प्रॉपर रेस बन गई है जिसमें आर्सनल एंड सिटी आर नाउ लेवल ऑन पॉइंट्स बट अगर आप सिटी के स्टाइल देखो इस मैच में सिटी जिस तरीके से खेला सिटी वर कंफर्टेबल हैविंग लेस पोजिशन सिटी वर प्लेइंग ऑन द काउंटर इस गेम में जितनी बार हालैंड इन्फ्लुएंशियल था तो हालैंड का इन्फ्लुएंस हमने देखा था आप डॉटमेंट से सिमिलैरिटीज ड्रॉ कर सकते हो हालैंड जैसे खेलता था, था कि ऑफ द शोल्डर ऑफ द सेंटर बैक्स खेल रहा था वो गिवेन गोस कर रहा था वो वो सेंटर बैक्स को वैसे एंगेज नहीं कर रहा था ऐसा होल्ड अप स्ट्राइकर एंगेज नहीं कर रहा था वो सेंटर बैक्स को बाकी प्लेयर्स एंगेज कर रहे थे जैसी स्पेस मिल रहा था तो हालैंड तुरंत कर रहा था अपने रन से एंड आज उसी के थ्रू उसका गोल मिला उसी के थ्रू उसने दूसरे चांस दूसरे टीममेट्स के लिए ऑलमोस्ट चांसेस क्रिएट किया पहला चांस था जिसमें उसने बॉल शॉट मारा था बट वो शॉर्ट स्क्वेयर चला गया था गोल के वो भी उसने ऐसी बनाया था कि वो डिफेंडर्स किसी और प्लेयर से ऑक्यूपाइड थे और तो हालैंड ने पीछे से रन निकाला तो हालैंड का आप कह सकते हो जो उसका स्टेचर है जिस तरीके का वो स्ट्राइकर लगता है लंबा चौड़ा स्ट्राइकर जो आप कह सकते तो बैक अगेंस्ट द डिफेंडर्स बैक अगेंस्ट गोल और आप कह सकते हो एरियली डिफेंडर्स को चैलेंज करता हो उनको उनको हमेशा ऑक्यूपाइड रखता उस टाइप का स्ट्राइकर बिल्कुल नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली उसका फ्रेम बहुत डिसीविंग है ही इज अ क्विक स्ट्राइकर एंड इज मोर कंफर्टेबल प्लेइंग इन स्पेस प्लेइंग इन बिहाइंड काउंटर अटैक में अगर हम बात करो ट्रांजेक्शन में बात करो तो हार्लैंड से डेडली स्ट्राइकर शायद को ही कोई है वर्ल्ड फुटबॉल में एंड हा, उसका एग्जाम्पल आप कह सकते हार्लैंड ने बिल्कुल तरीके से किया क्योंकि तो आर्सनल वॉज नॉट एबल टू तो कोप विद हार्लैंड इन स्पेस आप गैब्रियल को देख लो आप सलीबा को देख लो पहला गोल अगर आप निकाल दो क्योंकि टोमियासू की गलती पे पड़ा था और डिब्रॉइन ने बिल्कुल आपके सबसे तो एक्सपर्टली फिनिश करा था और केडीपी पे जितने भी सवाल उठ रहे थे कि हमने आज स्ट्रीम में ही कहा था कि भाई ओडेगार्ड इस समय ज्यादा अच्छा खेल रहा है मेरे दोस्त ने आशीष ने यह भी कहा था कि क्लास इज परमानेंट उसने ग्रुप पे भी लिखा था जैसे केडीपी ने गोल मारा था एंड उसने अपनी क्लास दिखा दी दैट वन मोमेंट जिसमें उसको चांस मिला उसने एक्सपर्टली फिनिश करा भाई दोनों पैर बराबर चलते हैं के के तो सबको पता है लेफ्ट राइट उसका कायदे में कोई है नहीं कोई वीक फुट है नहीं उसका एंड उसने जो फिनिश किया को प्रेशराइज करके और आर्सेनल के डिफेंस एक अनकैरेक्टरिस्टिक मिस्टेक एक एरर ड्रॉ कराना एरर फोर्स करना इस गोल ने मैच का मोमेंटम सेट कर दिया और आप आर्सेनल का कितने भी कॉन्फिडेंस की बात कर लो पोजिशन में गोइंग फॉरवर्ड फॉरवर्डर कॉन्फिडेंट गोइंग फॉरवर्ड देवर लुकिंग लाइक अ साइड विच इज टॉप ऑफ द टेबल बट डिफेंसिवली आर्सनल जितना तंग आई है वो रेयरली किसी और मैच में आई होगी इस सीजन और मैं दूसरे और तीसरे गोल की बात कर रहा था इसमें मैं हार्लैंड की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा था उसको मैं यही कहना चाह रहा था कि आप दूसरा और तीसरा गोल देखो और कैसे देखो कि कैसे गैब्रियल और, और सलीबा को हालण ने रिसीव किया कहीं ना कहीं और उनको अपनी पोजीशन से कैसे हार्लैंड ने अपनी मूवमेंट से फोर्स किया आगे आने को अपनी पोजीशन विकेट करना अपनी लाइन मेंटेन करने की जगह वो आ गया है वो दूसरे प्लेयर्स में लगे पड़े थे ग्रीलिश में फोर्डन में लगे पड़े थे एंड जैसे ही हार्लैंड को स्पेस हाल ने एक्सप्लोर किया एंड यही आप कह सकते हो आर्सेनल फैंस की और उत्कर्ष की भी उस समय मेरी बात हो रही थी उत्कर्ष से उत्कर्ष की भी एक गैब्रियल को भाई अपनी पोजिशन होल्ड करनी है आपको हार्लैंड जैसे प्लेयर को स्पेस इज द लास्टिंग भी भी और आपने स्पेस अलाउ कर दिया तो हारलैंड था, सारे का राइट पे फोकस था। भाई फ्री में गुंड ने फिर बॉल प्ले कर टाइम ऑल द वर्ल्ड टू हिट इज शॉट शॉट बहुत वेल टेकन था डिफ्लेक्शन लग के ही गया था गोल में नहीं तो मेरे को लग रहा था कि रामसिल बचा लेता और ट्रांजिशन से आर्सन खुली थी आप एक्सपेक्ट नहीं करते अटैक की साइड से स्पेशली दिस सीजन तीसरे गोल की अगर बात करू तो तीसरा गोल पे हार्लैंड का ब्रिलियंस भी है जैसी बॉल मिली उसने जो इंसेंटिव फिश किया

एंड इस मैच में उन्होंने अब सारी गलतियों को अपने फिक्स करके दिखा दिया कि एल को क्यों अभी टाइम लगेगा वाई आर्सल लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक पूरा स्क्वाड ऐसा होना जिसमें किसी ने भी प्रीमियर लीग नहीं जीती है और जिनों के पास चैंपियंस लीग विनिंग एक्सपीरियंस है बट लीग विनिंग एक्सपीरियंस नहीं है ही डेंट हैव दैट विथ छेलसी एंड अब आर्सल में वो कैरी ओवर नहीं कर पाया कहीं ना कि जो आर्सल की डेप्थ है इस समय इट इज नॉट एज गुड एज इट नीड्स टू बन ऑल द एरियाज ऑब्वियसली फॉरवर्ड लाइन में जो डेप्थ आरसेल की उन्होंने धीरे धीरे इम्प्रूव की है मिडफील्ड में भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की कोशिश करी थी बट जो उनका फर्स्ट चॉइस मिडफील्डर है आज पार्टे खेला नहीं और पार्टे का ना होना हमने प्रीव्यू में भी डिस्कस करा था कि पार्टे पहले के पंद्रह मिनट जो होते हैं आर्सल का जो मोमेंटम सेट करना टेम्पो सेट करने के मैच के उसमें बहुत क्रुशल प्लेयर होता है जो फिजिकली आप कह सकते हो ना फिजिकली एक मार्कर सेट करना फिजिकली फाउंडेशन लेकर देना मैच की कहना कि भाई हम फिजिकली हमारे को तुम आउट प्ले नहीं कर पाओगे हम तुम हमारे ट्रांजिशन पे बीट नहीं कर पाओगे तुम हमारे मिडफील्ड में ओवर पावर नहीं कर पाओगे उसका ना होना उससे बहुत फर्क पड़ा जॉर्जिनो मार्क करने के मामले में आप एक इज साउंड का आज काम भी ये तो अपनी पोजीशन पर रहो तो मार्क करो ज्यादा हिलो मत अपनी पोजीशन से अपनी पोजीशन बनाए रखो जॉर्जिनो उस एसेट में ही इफेक्टिव है बट अगर आप एक ऐसा मिड चाहते हो तो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहे पिच पे जो फिजि जो फिजिक ट्रांजेक्शन रोके जो फिजिकलिटी लाए वो जॉर्जिनो के पास है नहीं और जॉर्जियो एक्सपेक्ट करना भी मेरे हिसाब से गलत होगा तो दैट इज ऑब्वियस वॉट आर्सल वॉज मिसिंग टू डेन आई थिंक मिडफील्ड में पार्टी का ना होना उसका इफेक्ट ट्रांजिशन पे भी पड़ा और वही हमने देखा कि ट्रांजिशन पर पे पे आज इतनी बल्ले इसलिए ही थी और सिटी ने आर्सल को आप कह सकते जिस तरीके से आर्सल अप्रोच करती थी सिटी के मैचेस को कुछ सीजन पहले वैसे ही ने अप्रच किया विद दैट क्वालिटी एंड विद एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग फॉर इन टाइटल रेस सिटी ने आर्सल को आउटप्ले कर दिया अब बात करते भाई जो एक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक इस समय चल रहा है कि बार्सोलो बार्सोलोना रेलिगेट हो सकती है क्या बार्सोना पे पॉइंट डिडक्शन लग सकता है तो मैं आप लोगों को पूरा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि भाई क्यों इसके बारे में बात कर रही और फोर्स ने पता नहीं अपेन क्यों रिपोर्ट किया था कि बार्सिलोना ने अपेरेंटली जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है टेक्निकल कमिटी ऑफ रेफरीज का होज़े मारिया एनड्रेकेस नगेरेरा उसको 1.4 मिलियन का पेमेंट किया था वो कंपनी जिसका नाम है डेजनिल 95 एसएन 2016 और 18 के बीच में और जिसका ओनर उस कंपनी का ओनर वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द टेक्निकल रेफरीज कमेटी जोए मारिया एन्रीकेस नगरेरा था और उसको ये 1.4 मिलियन का पेमेंट किया था तीन इंस्टॉलमेंट और जब ये पेमेंट करे गए थे तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट भाई साहब थे तब वो पावर में थे तो ऑब्वियसली भाई अब एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि भाई ये बंदा पावर में है वो आपके मैचेस इन्फ्लुएंस कर सकता है और उसको आपने पैसे दिए बट so इसके बारे में ये भी रिपोर्ट आई थी एस से आई स्पे न्यूजपेपर है, है बारसोलो पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे बारसोलो में कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन फेस नहीं करेगी ना ही रेलीगेशन, ना ही कोई पॉइंट इस पेमेंट ट्रांजेक्शन पर और बाकी टीम्स ने भी अपेन्टली टीम ने कहीं से वेरीफाई नहीं हुआ बट बाकी कुछ बाकी टीम ने भी पेमेंट ऐसे सिमिलर पेमेंट है इसलिए दिस इज नॉट समथिंग विच शुड बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल और बारसोन का खुद भी स्टेटमेंट आया था बट उन्होंने एलिगेशन को डिनाई नहीं किया डायरेक्टली बट उन्होंने ये कहा कि इट इज अनफॉर्चुनेट कि जब बारा इस समय स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा कर रही है इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि ऐसे मोमेंट पे उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए ऐसा कोई फालतू की न्यूज आती है तो न्यूज को डिसरिगार्ड कर रहे हैं और न्यूज को डिनाई नहीं कर रहे हैं तो अब इसमें ऑब्वियसली कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ये वाला पॉइंट कंसिडर कर सकते हो कि ने मना नहीं करा आप कह सकते डायरेक्टली मना नहीं करा इस चीज को लेकर तो क्या इस चीज में दाल में कुछ खाला है ये हमारे को पता चलेगा बट एज थिंग स्टैंड स्पेनिश रिपोर्टर स्पैनिश न्यूज पेपर से इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं तो कौन कितना रिलायबल है हमें पता नहीं सबकी क्रेडिबिलिटी ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाती रहती है तो किसी पर आप ढंग से रिलाई नहीं कर सकते बट एज फार एस थिंग स्टैंड ललिगा की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है तो, तो जब तक ललिगा इस चीज पे क्लैरिफाई नहीं करते थे कि क्या बात कोशन लिया जाएगा या नहीं तब तक देखा जाएगा बट आई नो फैंस इस समय काफी आप कह सकते हो एंशियस होंगे क्योंकि भाई जो टेबास भाई है हमारे ललिगा के प्रेसिडेंट बारसोना के अगेंस्ट उनका एजेंडा कभी ना कभी बना रहता है हमेशा बना ही रहता है कि अभी ग्यावी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी था पहले भी मेसी के कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे सबसे आप कह सकते इनफेमसली था कि जब मेसी का कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ नहीं किया था रजिस्टर करने को और मेसी को बेचना पड़ा था बारसोरोना को तो उसमें भी टेबैस को विलन पेंट किया गया था देखते भाई टेबास भाई अगर इसके बारे में कुछ कहते हैं तो क्या कहते हैं आखिरी चीज आते हैं मेसी के कॉन्ट्रैक्ट की मैंने बात करी थी तो मेसी के कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं रोमानो भाई की अपडेट आई है कि फाइनली पीएसजी और मेसी विल स्टार्ट देर आप कह सकते हो कॉन्क्रीट सीरियस नेगोशियशन रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज इस समय है अभी इंडिकेशन यही है कि मेसी विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद इज पीएचडीपी एट पी ही विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद पीएचडी बट फिर स्पेन के सोर्स पे आप जाओ स्पोर्ट पे जाओ डीआरएस पे जाओ के क्लोज न्यूज पेपर ये आउटलेट्स हैं इनके पास जाओ तो ये लोग कह रहे हैं कि मेसी विल रादर प्रिफर टू प्ले फॉर फ्री फॉर बार्सोना देन साइन फॉर पी एच डी तो काफी स्ट्रांगली स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और आपके साथ काफी स्ट्रांगली वर्डेड रिपोर्ट्स आ रही return रिपोर्ट है कि मेसी इतना हेल्प रिटर टू रिटर्निंग ऑन बार्सोना कुछ रिपोर्ट्स आ रहा है कि मेसी विल प्रिफर टू ज्वाइन इंटर मैयामी उसने अपना मन बना लिया कि वो इंटर मैयामी जाना चाहता है और उसके साथ साथ वो तो बारसोलोना का रिटर्न भी कंसिडर कर रहा है तो क्या होगा हमें पता नहीं अभी भाई आपको भी पता है कुछ दिन पहले मेसी के भाई ने कहा था लपोटा के बारे में कमेंट्स की थी मेसी की लपोटा के साथ रिलेशनशिप अच्छी है नहीं तो इन सब चीजों को आप कह सकते हो साथ में कलेक्टिवली कंसीडर करो तो किस पे भरोसा करो आपको पता नहीं है अब फ्रिज रोमानो इस समय क्रेडिबिलिटी के मामले में सबसे ऊपर आता है तो फेब्रज रोमानो की रिपोर्ट्स के हिसाब से मेसी विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट और फब्रिज रोमानो ने यह कहा कि भाई मेसी और पीएसजी के बीच में एक वर्बल एग्रीमेंट था कि वो एक साथ कंटिन्यू करेंगे और मेसी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा जो फॉर्मल नेगोशियशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो अभी शुरू हुई है वो फर्स्ट राउंड उनका शुरू हुआ है तो अभी ऑब्वियसली मल्टीपल राउंड ऑफ नेगोशिएशंस होते हैं जिसमें सैलरी लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दस तरह की चीजें कंडीशंस जैसे कि पिताजी हार गए मेसी के साथ तो देखते हैं क्या इसका रिजल्ट होता है बट फेबर जुर्मानों के अगर आप आप कह सकते हो स्टांस पे जाओ जो उसका बिलीफ है जो वो एक्चुअली जो वो इंडिकेट कर रहा है वो यही है कि मेसी विल कंटिन्यू विद पी बट सेम जैसे बास से की बैन और ये आप कह सकते हो जो ये डिसिप्लिनरी एक्शन में बात चल रही है इनकी जो रिपोर्टिंग चल रही है कंफ्लिक रिपोर्टिंग अगर आप बार्सिलोना न्यूज पेपर पर लाइ करो मेसी इंटर म्यामी या बार्सिलोना आना प्रिफर करता है वो पीएसजी छोड़ना प्रिफर करता है इस समय मेसी पीएसजी में रुकता है या नहीं ये समय ही बताएगा बट आप लोगों के ओपिनियन है लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो ड्यू थिंक मेसी विल स्टे एट पीएसजी और ड्यू थिंक ही विल रिटर्न टू बार्सोना या वो फिर दोनों चीजें छोड़ के सीधे इंटर म्याम जाएंगे एमएलएस जाएंगे एंड ही विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी मैच में आपका क्या ओपिनियन था आर्सेनल ने क्या गलतियां की और मैन सिटी ने क्या सही किया एंड अगर आपको लगता है बार्सिलोना पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा या आपके हिसाब से लिया जाना चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो इक्कीस के करा दो मैं कहते कहते थक चुका हूं और वीडियो को लाइक कर दो सब्सक्राइब दो एंड आई कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय